अभी यहाँ उठा है महाप्रभु किया दिया और उनने कौन सा भक्तों के द्वारा उन्हें जगत में किया गया था। लोचन दास ठाकुर एक भजन का संदेश सारे चीज को समझा ए लोग नदी कदम बीन हो आसाई लगौर देश प्रेम वृष्टि दी। इसमें वर्णना कर रहे हैं महाप्रभु को उदाहरण दिया एलो गौर रस नदी। महाप्रभु कैसे बोले के रस का महाप्रभु एक नदी है, इसलिए रस नदी महाप्रभु तो रस नदी है लेकिन एक कादम भी नहीं हो। जैसे नदी है, नदी का पानी कौन पी सकता है? जो नदी के पास भी जाएगा वही केवल पी सकता है, लेकिन सभी नदी का पानी पी नहीं सकते। अगर वो नदी का पानी मेघ बन जाए तो क्या होगा? जब बारिश होगा ना, लता पत्ता पेड़ पौधा जानवर इंसान चिड़िया जमीन जगह जब मेघ होता क्या होता है? सब जगह पर बराबर रूप में बारिश दे देता है। इसलिए महाप्रभु एक रसन नदी रूप में आए, लेकिन रसन नदी जब मेघ बन गया उन्होंने क्या किया? बोले भाषाइला गौड़ देश प्रेम वृष्टि दी। उन्होंने प्रेम की उन्होंने बारिश करा के क्या किया? संपूर्ण गौड़ देश को उन्होंने पूरा बहा दिया, डुबा दिया। गौड़ देश मतलब महाप्रभु जिस नवद्वीप देश में आए हैं, वो गौड़ देश को उन्होंने पूरा उन्होंने बाढ़ में उन्होंने डुबा दिया है। तभी ये तो किया, फिर और किया क्या? बोले नित्यानंद नित्यानंद रायता है मारुत सहाय जहाँ नाई प्रेम वृष्टि तहाँ लाए जाय। फिर महाप्रभु तो दिया, फिर नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? उदाहरण दिया नित्यानंद राय राय मारुत सहाय। जैसे मेघ होता है ना, जैसे आकाश में मेघ होता है, कभी कभी देखना वायु आ करके मेघ को उड़ा तक ले जाता है। उड़ा करके क्या होता है? तो जहां नहीं प्रेम वृष्टि तहां ले जाए, बोले जहां पर प्रेम का बारिश नहीं। उन्होंने क्या किया? महाप्रभु की मेघ को उन्होंने नित्यानंद प्रभु हवा रूप में आया और जैसे हवा जैसे मेघ को उड़ा करके ले जाता है, नित्यानंद प्रभु उसी तरह नित्यानंद प्रभु ने क्या की वो मेघ को उन्होंने उड़ा करके ले गया। जहाँ पर प्रेम का बारिश नहीं ना वहां पर भी बारिश करवा दिया, वहां पर भी बारिश करवा दिया। जैसे महाप्रभु ने 6 साल तक महाप्रभु ने सब जगह पर गए, 6 साल तक उन्होंने गमनागमन किया और जा करके सब जगह में अपना प्रेम रस को उन्होंने सब जगह में। इसलिए नित्यानंद प्रभु बड़े दयालु हैं, जो मार खा करके भी जगत में प्रेम को दिए। इसलिए यहाँ पर बताए ना नित्याय गो नमनिया मार नित्याय गो नमानी आनिया प्रेमेर बन्ना भाषाइल अवनि। इसलिए कहते नित्याय गो नमनी अमार नित्याय गो नमनी, बंगला समझ सकते हो? उन्होंने बोला नित्याय गो नमनी। कहते नित्यानंद प्रभु को क्या बोले? बोले गुण का खान है नित्यानंद प्रभु। नित्याय गुण मनी आवार नित्याय गुण मनी, दो दो बार बोले नित्यानंद प्रभु तो गुण की खान है मणि स्वरूप है। अनिया प्रेमर बनिया भाषाई ला बनी, प्रेम को बाढ़ लाए और जो सारा दुनिया को उन्हें डुबा दिया है। अनिया प्रेमर बनिया भाषाई ला बनी प्रेमर बन्या लैया नीताई आइला गौर देशे गोविला भकत गण दी नहीं नभासे। नित्यानंद प्रभु ने क्या की? उन्होंने दीन हीन उन्होंने किस चीज को नहीं देखा? अरे ये तो छोटे जाति के हैं, इसके पास में कोई गुण नहीं। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कोई चीज को उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने प्रेम को उन्होंने सब को दिया। नित्यानंद प्रभु ने किया कैसे प्रेम को सबको दिया? बोले अवध करुणा सिंधु काटिया महा, एक उदाहरण दिया। इसे बीच में एक बांध है, एक तरफ में पानी पानी और एक तरफ में सूखा है पूरा सूखा और एक तरफ में पानी पानी
अब बहुत बड़ा बांध है, नित्यानंद प्रभु ने किया किया हावड़ा जानते हो, उसकी खेती उन्होंने ले करके ना पूरा जो बांध था ना तोड़ दिया। अगर तोड़ देगा ना सुनामी आ जाएगी, पूरा सुनामी आ जाएगी और जो आएगा ना उसको बहा के ले जाएगा। कहते नित्यानंद प्रभु ने किया कि प्रेम एक तरफ में था, पानी पानी प्रेम का बाढ़, उन्होंने जब उसको काट दिया ना इतनी तेजी से बाढ़ आई, जो बाढ़ आता है ना सामने किसको नहीं दिखता है, जो आता है उसको बहा दोगे उगरेगा। कहते नित्यानंद प्रभु ने उन्होंने बाढ़ मतलब होता है बाढ़ प्रेम की बाढ़ लाए और सबको डुबा दिया है सबको, इसलिए आबद करुणा सिंधु काटिया मोहन और भरे घरे बुले प्रेम अमियार बांध, वो ऐसे काटना घर घर में प्रेम चला गया, अमृत का जो बाढ़ घर घर में चला गया। अनिया प्रेमेर बन्या भाषाई लवनी, प्रेमेर बन्या लैया नीताई आइला गौर देशे, बुलीला भकत गना दीन ही न भासे, दीन ही न पति तपा मर नाही बाचे, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सब कार्य जाचे। जिले नितंद क्या किया उन्होंने घर घर में, घर घर में, घर घर में जाकर तुमने क्या किया, जो हमने दिया क्या जगत में, बोले जो प्रेम को पाने के लिए ब्रह्मा शंकर नारद लक्ष्मी जो प्रेम को पाने के लिए वो लोग भी तरसते हैं, जो प्रेम को पाने के लिए, हाँ ब्रह्मा जी कितने कठोर तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मा चल पर्वत बन करके मैंने पर्वत बन करके तपस्या कर रहे हैं, नारद जी ब्रह्मा जी से पूछे पिताजी अब 60,000 साल तपस्या किया ब्रह्मा जी कौन सा प्रेम को पाने के लिए, वो भी प्रेम को पाने के लिए। तब नारद जी ने पूछा पिताजी और भी तो बहुत सारी भक्त है ना, लेकिन अब ये गोपी प्रेम के लिए 60,000 साल तपस्या क्यों किया। ब्रह्मा जी कहते बेटा ये गोपियां और भी राधा रानी की, हाँ ये कायब भी है, राधा रानी एक एक भाव को एक एक गोपियों का मूर्ति दिया बच्चा, ये गोपियां कोई स्त्रियां नहीं, गोपियां कौन है, बोले आनंद चिन्मय रस प्रतिभा बता रही, आनंद चिन्मय रस की एक मूर्तिमान गोपियां है, इनका प्रेम साधारण वस्तु नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी कितने कठोर, लास्ट में बोले पत्थर जन्म मेरे को दो। लक्ष्मी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं अभी भी बेलवन में ऐसे बैठी, अब सब जगह पर देखना लक्ष्मी ऐसे बैठती है, लेकिन बेलवन में गई कि नहीं, बेलवन में देखना लक्ष्मी ऐसे बैठी अब तपस्या कर रही है, बोले अभी तक भी वो प्रेम प्राप्त नहीं है क्योंकि लक्ष्मी का अभिमान छोड़ी नहीं। शंकर जी वृंदावन में गए गोपीश्वर बनकर के दरबान का काम कर रहे हैं और उद्धव जी घास बनकर पड़े हुए, बोले क्यों, बोले जो प्रेम को पाने के लिए ये लोग इतने कठोर तपस्या करते हैं। नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, नित्यानंद प्रभु ने प्रेम किया दिया, बोले नित्यानंद प्रभु तो प्रेम का आसन भी दे, बोले लो वो बाढ़ लेकर के आ गए, बोले हमारे किणिया लह बोलो गौर हरि, एक बार श्री सचिनंदन गौर हरि का नाम, एक बार महाप्रभु का नाम ले लो, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि, बोले एक बार केवल उनका नाम ले लो बस वो प्रेम तुम्हें मिल जाएगा, बोले कोई ज्यादा परिश्रम, कोई ज्यादा परिश्रम नहीं, बस हाथ में ताली बजाते हुए थोड़ी सी हरि कीर्तन कर दो, महाप्रभु का नाम ले लो बस वो प्रेम तुमको मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं नित्यानंद राय ताई मारुत सहाय, जैसे जैसे मारुत मतलब तो हवा आ करके जैसे मेघ को मेघ को धक्का मार करके सब जगह में ले जाता है, नित्यानंद प्रभु उसी तरह उन्होंने घर घर में गए। महाप्रभु नित्यानंद और हरिदास ठाकुर दोनों को बोले सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास हमारा आज्ञा सर्वत्र करह प्रकाश, जाओ नित्यानंद हरिदास दरवाजा दरवाजा में जाओ झोली बिछाओ और झोली फैला करके सबसे भिक्षा मांगी, भिक्षा मांगे सबसे, बोले क्या भिक्षा मांगी, दाल चावल रोटी सब्जी, बोले नहीं घर घर में जा करके बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण, तीन चीज भिक्षा मांगी, तीन चीज क्या भिक्षा, बोले बोलना तो
कृष्ण बोलना और कुछ मत बोलो, भजन करना तो कृष्ण को भजन करो। अगर कोई शिक्षा पाना चाहते हो कृष्ण भक्ति को ही शिक्षा, यही शिक्षा, यही तीन चीज भिक्षा मांगना है। और महाप्रभु कहते अगर ये भिक्षा कोई नहीं लेगा, कहते अगर ये भिक्षा कोई नहीं लेगा ना, फिर मेरे पास में कंप्लेन करना, फिर मैं देखता हूँ कैसे भिक्षा नहीं लेता। महाप्रभु कहते हैं जो ये भिक्षा नहीं लेगा ना, फिर तो हम उसको दंड देंगे। बोले क्या दंड दोगे? 84 लाख के दोष में भटकता रहेगा, जन्म मृत्यु का चक्कर में भटकता रहेगा, गद्दे कुत्ते सुअर होकर घूमते रहेगा, उसका हम दंड देंगे। इसलिए नित्यानंद प्रभु हवा रूप में महाप्रभु का लेकर सर्वत्र हरि कीर्तन उन्होंने प्रचार किया है। और जहां हुडू हुडू शब्दे आइल श्री अद्वैत चंद्र जल रस धारा थाए राय रामानंद। कहते नित्यानंद प्रभु ने ये काम किया, अद्वैत आचार्य उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोले हुडू हुडू शब्द आइल। रूढ़ जानते हो, रूढ़ मतलब है जैसे यहाँ पर बारिश का कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन हठात कहाँ से हठात आ गया बारिश, आकर के ना सबको बारिश से सबको भिगा कर चला गया। हठात कहीं आकर के बादल रूप में हठात सबको बारिश से सबको भिगा कर चला गया। तो उसी तरह अद्वैत आचार्य को उदाहरण दिया, हुडू हुडू शब्द आए ना, मतलब हठात आ गया अचानक, अचानक आ गया। जैसे जब श्री अद्वैत आचार्य आए, हम लोग सुन रहे थे ना महाप्रभु जगत में जो आए हैं उसमें चार ही कारण है। पहले दो गौण है और दो मुख्य है। दो मुख्य कारण में जो मुख्य में जो एक साधारण कारण गौण कारण है, ये अद्वैत आचार्य जो बुलाने पर महाप्रभु आए हैं। मुख्य में ये गौण है, मुख्य में ये गौण है साधारण। इसलिए उन्होंने अद्वैत आचार्य जब आए जगत में महाप्रभु से पहले वो आए, आकर के उन्होंने दुनिया का दुर्दशा देखा। कोई भी भगवान की भजन नहीं करते, भक्ति नहीं करते। अगर कोई गीता भागवत पढ़ता भी है केवल तर्क वितर्क करते हैं। गीता का जब सार भक्ति करो, भगवान का नाम लो, कोई नहीं कर रहे। फिर जगत में जिसको पास में ज्यादा पैसा क्या करता है, कुत्ता कुत्ती बिल्ला बिल्ली में शादी करवाते हैं। तू कुत्ते की तरह अपना, कुत्ती की तरह कुत्ता की तरह अपनी, और उसमें लाख करोड़ रुपया उसमें व्यय करते हैं। फिर सबसे बड़े आदमी किसको मानते हैं, जिसको उसमें 10-20 आदमी घूमते रहे, जिसको दोला में लेकर के घूमते रहे, हाँ वो सबसे बड़े। फिर क्या करते हैं, बोले फिर दुर्गा विषहरी, मतलब काली दुर्गा को पूजा करते हैं और उसको सामने बकरी को बलि देते हैं, बलि दे करके मांस खाते और शराब पीते हैं। इसलिए उन्होंने ये जगत को स्थितियों को देखा, कोई भी भगवान की भक्ति कर नहीं रहे हैं। फिर उनको बड़ा क्रोध आया, कोई भक्ति नहीं कर रहे दुनिया में। अभी प्रश्न है इनको क्यों क्रोध आया, और जो कर रहे हैं उनको करने दो, तुम्हारी क्रोध का क्या जरूरत है? नहीं, इसलिए क्रोध इनका आया। अद्वैत आचार्य कौन है? यदि सदाशिव महाविष्णु। ये महाविष्णु क्या करते हैं काम, महाविष्णु का क्या काम है? यदि महाविष्णु जब माया को प्रति ये दृष्टि करते हैं, तो ये माया ने एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत करोड़ों ब्रह्मांड को माया सृष्टि करती है, अनंत करोड़ों ब्रह्मांड को सृष्टि करती है माया है। इसलिए ये सदाशिव महाविष्णु है, इसलिए ये जगत को सृष्टि करने वाले हैं। सृष्टि जो करता है उनका कर्तव्य क्या पालन करना, जैसे बच्चों को आप जन्म देते हो, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा, बच्चों को बढ़िया से लिखाई बढ़िया सीखे, बढ़िया काम धाम में दे रखे, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, है ना? पिता माता का कर्तव्य है कि नहीं, बच्चों को खिलाओ पिलाओ, उनको बड़ा बनाओ, उनको बढ़िया बनाओ, पिता माता का कर्तव्य यही है। इसलिए ये अद्वैत आचार्य महाविष्णु है, होने का नाते जगत को सृष्टि करने वाले ही, जीव को सृष्टि करने वाले यही है, जो उनका सृष्टि का पालन करना भी उनका काम है। जब बच्चों को जन्म दिया तो पालन कौन करेगा, पिता माता तो पालन करेंगे उनको, इसलिए इनका कर्तव्य पालन करना। अभी पालन कैसे करेंगे उनको, केवल क्या खिला पिला करेंगे,
लिखाई पढ़ाई सिखा दो और खिला पिला दो, बड़ा बना दो, शादी शुदा करा दो, हो गया। नहीं, ये पालन को पालन नहीं कहते। ये तो गधे कुत्ते सुअर भी कर रहे, वो खाते है बच्चे जन्म देते, पालन करके बड़ा नहीं। ये पालन पालन नहीं, कैसे भले उनको अगर भगवत और भक्ति में अगर उनको लगा दिया, बात समझो हमारे सब साथ होगा। भगवत भक्ति में अगर बच्चों को भगवान, इसलिए ऋषभ देव कह रहे हैं भागवत में, ऋषभ देव कथा दी है, उनको 100 बेटे थे। अब ऋषभ देव चाह रहे हैं अभी हम, हमारा कर्तव्य पूरी हो गई, बच्चे बड़े हो गए, अभी हम भजन करने के लिए जा रहे हैं। इस दिन उन्होंने सारे बच्चों को बुलाया, बैठाया 100 बच्चों को, बोले देखो बच्चों, तुम लोगों को मैंने जन्म दिया, लिखाया पढ़ाया बड़ा दिया, अभी हम अपना मुक्ति का मार्ग हम देखने जा रहे हैं, लेकिन मेरा अंतिम उपदेश दे करके जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया, एक गुरु न सस्यात, सो जननी न सस्यात, पिता न सस्यात, दैवम न तत्सारणम न पतिम सस्यात, नाम वचैत जह समभेद मुक्त। इसका मतलब है हम भगवान से को भूल करके अनादि काल से ये माया के चक्कर में हम भटक रहे, जन्म मृत्यु का चक्कर में भटक रहे। ये जो मानव शरीर नहीं कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वार, मतलब ये जो मानव शरीर ये मुक्ति की दरवाजा है, ये साधन का धाम है, और किसी जीवन में भगवान की साधन हम कर ही नहीं सकते, केवल किसी जीवन में कर सकते साधन धाम। इसलिए पाए न जई पर लोक सवारा, ये मानव शरीर को पा करके जो लोग परलोक का सवार में, मतलब जो परलोक को ठीक नहीं कर लिया, मतलब मुक्ति का मार्ग नहीं अपनाया, कहते वो क्या, बोले आत्महन गति जाई, वही का आत्महन जाए। इसलिए ऋषभ देव कहते वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, भगवान की भक्ति में जो बच्चों को नहीं लगा दे हैं, कहते वो पिता नहीं, वो माता नहीं, वो भाई नहीं, वो देवता नहीं, वो गुरु नहीं। कौन? जो अपना शिष्य को, अपना बच्चों को भगवान भजन में नहीं लगा दे, हैं सब बेकार है। इसलिए इसलिए यहाँ पर अद्वैत आचार्य जी वो कह रहे हैं, इसलिए ये इतने चिंता में पड़े, दुनिया को सृष्टि तो मैंने के लिया, जब मैंने सृष्टि किया इनको पालन मुझे करनी चाहिए, कैसे पालन करनी चाहिए, जब इनको भगवान भक्ति में लगा पाएंगे तभी सही पालन है। लेकिन ये सब बच्चे से दुष्ट, सब दुष्ट बच्चे से वो खा पी रहे और बस्ती ले रहे भजन भजन से कोई मतलब नहीं। इसलिए कभी कभी उनको बड़ा क्रोध आता था, अगर महाप्रभु नहीं आएंगे ना फिर मैं सुदर्शन चक्र लूंगा और ये सब को मैं खत्म कर दूंगा, सब को खत्म कर दूंगा, जरूरत नहीं दुनिया की है, दुनिया सृष्टि किया अगर भजन नहीं किया तो ये दुनिया को रख कर क्या होगा। इसलिए गुरुदेव कहते थे देखो जब तक आप इस जगत में भजन करेंगे ना, भक्ति करेंगे, समझो ये दुनिया टिका रहेगा, जब हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे हर देश में ना एटम बम बना देगा। कल देख रहे ना सीरिया में कैसे फेंक दिया सीरिया, और अमेरिका कैसे उसको ऊपर में ताव कर दिया है, अभी ऐसे एटम बम बना कर रखा ना, इस बार अगर विश्व युद्ध छिड़ गया तो 10-20% लोग रह जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगी, दुनिया नहीं रहेगा। लेकिन अगर दुनिया में भक्ति करेंगे ना, भजन करेंगे, ये सब चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि भगवान जानते हैं, कृष्ण गीता में कहते हैं कौन्तेय प्रतिज्ञानी नमे भक्ता प्रेषे, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का विनाश नहीं, भगवान देखेगा अगर युद्ध हो गया एटम बम गिरा मेरे भक्त भी थे ना, मेरे भजन भी तो कर रहे हैं, ये भी तो मर जाएंगे, लेकिन मैंने गीता में प्रतिज्ञा किया मेरे भक्तों का विनाश नहीं है। इसलिए जब तक हम भजन करेंगे ना, भक्ति करेंगे, ये सब कुछ नहीं होगा, अगर भक्ति नहीं करेंगे बस भगवान बुद्धि कहते देने वाले मैं हूँ, बस गिराओ एटम बम, इसलिए एक का वजह से ना सब लोग रखा हो जाता है, एक ही वजह से सब रखा हो जाते हैं। इसलिए अद्वैत आचार्य ने, उन्होंने देखा अद्वैत आचार्य जब सदाशिव करे वो भी तो धर्म प्रचार कर सकते थे, कलयुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन, वो भी हरिनाम संकीर्तन को प्रचार कर सकते थे,
अद्वैत आचार्य सोच रहे हैं, लेकिन ये जो कलयुग है ये कल साधारण कलयुग नहीं, ये धर्म कलयुग है। जिस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु है और महाप्रभु आकर के सबको दुर्लभ प्रेम प्रदान करेंगे। राधा रानी की नित्य जो सेवा है वो प्रेम केवल महाप्रभु दे सकते, मैं नहीं दे सकता हूँ। इसलिए महाप्रभु को बताया नम महाय, जितने दानियों में सबसे बड़ा दानी अमंद उदय दया। इसलिए महाप्रभु सबसे बड़ा दानी श्री चैतन्य महाप्रभु, इसलिए वो वही आग्रह प्रेम को दे सकते। इसलिए अद्वैत आचार्य बड़े चिंता में फिर सोचे ऐसे क्या किया जाए, जल्दी से जल्दी महाप्रभु जगत में आ जाए। उन्होंने सारे ग्रंथों को पढ़ा, शास्त्र को पढ़ा, पढ़ते पढ़ते उन्होंने श्लोक देखा तुलसी दल मात्र, मतलब अगर कोई एक क्या गंडूस हिंदी में क्या बोलते हैं, एक चुल्लू भर में गंदा पानी है और उसमें तुलसी दल दे दे, दे करके ठाकुर जी के चरण में कोई अर्पण कर दे, उसकी इतने महत्व है। तुलसी दल गंदा पानी ठाकुर जी उसका रेणी को उतारने के लिए सर खुजला, सर कब खुजला, बहुत जब ज्यादा चिंता में पड़ जाए, बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाए ना, क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्या सर खुजला लग जाते। भगवान कहते हैं मैं तो चिंता में पड़ जाता हूँ, उसको क्या दूं अब। अभी प्रश्न है ये गंगा पानी तुलसी में क्या चीज है जो भगवान भी उसका रीढ़ी उतारने के लिए भगवान चिंता में पड़ जाते, उसमें क्या चीज है। जो तुलसी है वो साधारण वस्तु नहीं, इसलिए वृंदाई तुलसी देवी प्रियाई केशव सच कृष्ण भक्ति देवी सत्यवती नमः। इसलिए भक्त्याविहीन अपराध लक्ष्य तृप्ता से कामाद तरंग मध्य कृपा मई त्वाम शरणम प्रपन्ना वृंद नमस्ते चरणारविंद। जब तक वृंदादेव का कृपा नहीं हो ना, हाँ हमारा कितने अपराध कितने अनर्थ है, फिर इनकी कृपा से ही जीव को भगवत भक्ति प्राप्त होता है। इनकी कृपा नहीं हो तो भगवत भक्ति जीव का नहीं मिलता है। इसलिए ग्रंथ संहिता में वर्णना किया है राधा रानी कृष्ण को कैसे प्राप्त करें, राधा रानी तुलसी पूजा करें, राधा रानी तुलसी की सेवा करती थी, परिक्रमा तुलसी पूजा और पानी देना तुलसी पूजा करती थी, और ये तुलसी की कृपा से ही राधा रानी को कृष्ण प्राप्त करेंगे, इसी पुराण में कथा थी। इसलिए जिस समय सूर्य ग्रहण हुआ कुरुक्षेत्र में सारे लोग वहां पर आए हुए थे, द्वारका भी लोग आए थे, ब्रज का सारे, क्योंकि पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ा था, सारा दुनिया वहां पर आए थे। वहां नियम होता है सूर्य ग्रहण के बाद में वहां पर कुंड है, अब गए कि द्वारका ये कुरुक्षेत्र गए कि नहीं गए, हाँ पहले वहां पर स्नान करके ना ब्रह्म हृदय में नियम होता है सबको दान देनी चाहिए, सब लोगों ने स्नान करवाया। वहाँ नारद जी आए थे, नारद जी कृष्ण का जितने पठरानी आती बोले देखो नियम है स्नान के बाद में अच्छे संतों को अच्छा दान देनी चाहिए, इसने घटिया दान देनी चाहिए, जो चीज चलता नहीं वही चीज दे देता, नहीं बढ़िया चीज दान देनी चाहिए, इसलिए तुम लोग दान दो। नारद बड़े संत है दान देनी चाहिए, बोले दान दो संतों को, बोले बढ़िया चीज देनी चाहिए घटिया चीज नहीं देनी। तो महिषियों ने देखा हमारा सबसे बढ़िया काम कृष्ण है, हम कृष्ण को जितने प्रेम करते दुनिया में जिसको उतना प्रेम करते नहीं, कृष्ण सबसे हमारा प्रिय है, तो बोले कृष्ण को दान देते। उन लोगों ने क्या किया, महिषी ने रुक्मिणी ने क्या कि उन्होंने कृष्ण को दान दे दिया, नारद जी को दान दे दिया। तो नारद जी ने कहा देखो उन लोगों ने मेरे को दान दिया, मैं तो साधु संतों इसलिए मेरे को दान दे दिया, बोले कृष्ण हो गया मेरा, मैं भी लंगोटी धारण किया, लुटा सुटा लंगोटा मेरा पास नहीं, बस आज से मेरा चेला बन गया, इसको अभी बाबा जी बना करके साधु होने को ले जाऊंगा। बोले ये कैसे होगा, कृष्ण हमारा जीवन का सर्वस्व है, आप इनको ले जाएगा हमारे पे क्या। बोले हमें दान दिया ना, साधु को दान दिया तो अभी मैं तो गुरु हूँ और मैं तो साधु, अगर देखो तो मेरा चेला ही तो बनेगा ये, इसलिए इसको साधु बनाकर बस अभी मुड़ मुड़ा करके छोटी रहा करके बाद लाल घोड़ा पहन के संन्यास ले लिया। बोले नहीं नहीं हम कृष्ण को छोड़ नहीं सकते। नारद जी ने कहा अगर नहीं छोड़ सकते हो एक काम करो,
इनके बराबर सोना दान दे दो, फिर इनका हम छोड़ देंगे। हाँ ये तो कर सकते हैं। उन्होंने तराजू लाए, तराजू ला करके एक तरफ में कृष्ण को बैठाया ना, इनकी बराबर को सोना देंगे, और दूसरे तरफ में रुक्मिणी ने किया कि जो पहले पहले जो माता है ना, बहुत गहरा प्यार, बहुत पूरा प्यार से लेकर सर तक 5-10 किलो 10 किलो जो गहना पहना करती थी। पहले तो आप लोग देखे होंगे, हाँ पहले शादी में पूरा शरीर में जो लड़की को दान देते थे ना, पूरा पूरा शरीर को, पूरा शरीर, पूरा गला में, नाक में, कान में पूरा श्रृंगार करके दान देते थे पहले। इसलिए वो जितने उनको गहना था ना, सारे गहना को उन्होंने उतार करके दूसरे तरफ में रख दिया। कृष्णा टस से बस भी नहीं। नारद जी बोले, फिर तो मैं अपना चले बनाकर ले जा रहा हूँ। रुक्मिणी फिर आके सत्य बाबा की तरफ में, सत्य बाबा तो समझ गई उसने क्या क्या सारे अलंकार उतार करके खोदी रख लिया, लेकिन टस से बस थी वो। फिर वो फिर काली जी की तरफ में देखा, काली जी ने क्या किया, सारी चीज उसने भी निकाल करके वो भी रख दी, कुछ नहीं हुए। फिर उसने मित्र भी तक तरफ में देखा, वो भी सारे अलंकार को उतार कर रख दिया है, और एक एक करके। फिर जब हुआ नहीं, फिर वो लक्ष्मण का तरफ में देखा, लक्ष्मण भी सारे अलंकार को उतार कर रख दिया। लेकिन किसी तरह से कृष्ण टस से मस हो, भगवान बराबर थोड़ी कुछ कर सकते, सुना देना भगवान बराबर थोड़ी होता है। इसलिए उनको वेद में असमर्थ तत्व, मतलब जिनसे बड़े की बात छोड़ दो, जिनकी बराबर भी जगत में कोई नहीं सकता, इसलिए उनका नाम विश्वंभर, मतलब विश्व ब्रह्मांड को जो धारण किए, इसलिए उन्होंने विराट रूप दिखाया। मेरे अंदर विष्णु को बराबर कौन हो सकते हैं, कोई कोई नहीं सकते। जब किसी तरह से कुछ नहीं हुआ, बोले किया क्या जाए, किया किया जाए, फिर सबके सबसे राधा रानी के पास, बोले आप भी कुछ व्यवस्था कर सकते, आप आओ, नहीं तो हमारे कृष्ण को लेकर नाल चिल्ला बना के ले जा रहे हैं। कितने में राधा रानी आए, बोले सारे अलंकार को निकाल, और एक तुलसी बता, और एक तुलसी बता में राधा रानी अपना आंखों का आंसू से प्रेम से उन्होंने कृष्ण नाम लिया तुलसी पत्ते के ऊपर में। जब उन्होंने तराजू का दूसरे तरफ पर रखा है ना, बस कृष्ण तो हल्का होकर ऊपर उठ गए, हाँ, और तुलसी दल और उनका नाम एकदम नीचा हो गया, हाँ नीचा हो गया सबके सब। फिर तो कृष्ण को उन्होंने तुलसी नारद जी को तुलसी दल बस देकर के विदाई दे दिया, और कृष्ण को लेकर चले। इसलिए यहाँ से क्या कहते हैं, तुलसी पत्ते के बराबर, कृष्ण नाम के बराबर जगत में किसी चीज को हम बराबर कर ही नहीं सकते। इसलिए तुलसी, इसलिए तुलसी बोले 8 तरह से जीव का कल्याण करती है, 8 तरह से। बोले कैसे, बोले दृष्टवा, मतलब तुलसी वृक्ष को तुमने दर्शन कर लिया, कल्याण कर दिया, क्योंकि जो भगवान ही जगत छोड़ कर गए कहाँ रख कर गए, तुलसी में रख कर गए, हाँ। चतुर्दा विग्रह कृष्ण कई चार से, कलयुग में 4 स्थान में भगवान के निवास है। ये तुलसी एक है, भगवान का शुद्ध भक्त है, और ये भागवत है, और गंगा, ये 4 जगह पर भगवान की निवास है। इसलिए दृष्टवा के बोले तुलसी के दर्शन तुमने कर लिया, कल्याण कर लिया। पृष्टवा स्पर्श किया, जैसे गले में हम तुलसी कंठी धारण करते हैं, स्पर्श कर रहे हैं। दृष्टा दृष्टा तथा दृष्टा स्पर्श तथा ध्याता, तुलसी को ध्यान करने में, ध्याता कीर्तिता, जिसे तुलसी की महिमा को हम गा रहे, इससे भी कल्याण होता है। दृष्टा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता, हम रोज तुलसी को प्रणाम करते हैं। वृंदाई तुलसी देव गई प्रियाई केशव से च कृष्ण भक्ति गुण देवी सत्यवते नमः। इसलिए ध्यान से, और रोपिता जो तुलसी वृक्ष को लगाते हैं, फिर जो व्यक्ति तुलसी वृक्ष लगाते हैं, तुलसी वृक्ष नहीं लगाते हैं, हृदय में कृष्ण भक्ति के बीज को बोते हैं, हृदय में कृष्ण भक्ति बीज को तुमने बो दिया, रोपिता नमिता उनको प्रणाम करना, हाँ। इसलिए दृष्टा स्पर्श तथा ध्याता कीर्तिता नमिता श्रुता, उनकी महिमा को सुनना, फिर तुलसी श्रुता, यदि 8 तरह से तुलसी जीव का कल्याण करते हैं। तुलसी कितने महिमा, इसलिए। और गंगा, गंगा कौन है,
भगवान का चरना बताइए गंगा इसलिए तुम्हें कथा सुना था ना गुरु जी भूत की कथा सुना था गंगा की महिमा में गुरु जी भूत का कथा सुना थे बोले एक समय एक गुरिन था वो गुरिन जा रहा था जानते जो भूत उतारने वाले हठात देखा भूत लोग ना गुरिन बोले हाँ जो भूत लोग है वो बैंड पार्टी बाजा बजा करके वो महोत्सव कर रहे थे वहाँ पर गुरिन का मतलब क्या है गुरिन गुणिन मतलब होता है जो भूत को ओझा जिसको ओझा अच्छा भूत को छड़ा तो तांत्रिक ना तांत्रिक ने उसने देखा भूत लोग उत्सव कर रहे थे बुलाए हमले इधर आ तो क्या बात आज तुम्हारी इतना उत्सव क्यों गा रहे हो जाकर क्यों नाच रहे गा रहे हो बोले हमारे घर में कुंवारी लड़की है भूत बनकर गा रही वो अपमृत्यु हो गई जवान में वो भूत बनकर के कल उसकी शादी होगी बोले शादी किससे होगी जो भूत को सब चीज पता होता है किससे शादी होगी मतलब कल एक लड़का का अपमृत्यु होगा मतलब कैसे होगा मतलब दो साल में लड़ाई होगी वो किसी तरह से किसी को छोड़ेगा नहीं एक जवान लड़का वो साल जो लड़ रहे थे उसको छुड़ाने के लिए जाएगा वो तो क्रोध में रहेंगे वो उसी समय अपना सींग से उसको ऐसे मारेगा उसका पेट फाड़ देगा उसको अब वहीं पर वो मृत्यु हो जाएगी उसका अपमृत्यु होने पर प्रेत बन जाएंगे वो जवान है इसलिए मर कर के आएगा और हमारे पास में जवान लड़की है वो शादी से पहले इसकी मृत्यु हो गई वो आएगा तो कल हमारी शादी होने वाली सचमुच से उसने पता लगाया ठीक है ऐसे ही हुआ एकदम ऐसे ही हुआ मरा उसने सुना दो साल में लड़ाई हुई और उसने मृत्यु हुई लेकिन जब दूसरे दिन आया देखा वो सबके सब लोग बैठ कर रो रहे बोले भैया कल तो बैंड पार्टी बजा बजा कर नाच रहे थे आज रो रहे को बोले बहुत बड़ा एक अनहोनी हो गया बोले क्या हो गया मैंने तो पता लगाया ऐसे ऐसे साढ़ में लड़ाई हुई मरा अनहोनी क्या हो गया बोले अनहोनी ये हो गया अब देखना जब साढ़ का सींग में खुजली बसती है ना वो सींग से मिट्टी कैसे उतरती है अब देखना मिट्टी उतर वो गंगा किनारा में गंगा का जो मिट्टी था गंगा किनारा में उसको अपना सींग से मिट्टी को उतरा उतरा तो उसको सींग में गंगा का जो रज लगा हुआ था जब उसने मारा उस लड़के को मरते समय गंगा का जो रज था धूल था उसी समय उसको शरीर में टच हो गया तो वो प्रेत क्या बनेगा सीधा भगवत चला गया उसको मुक्ति मिल गई इसलिए ये अनहोनी हो गई इसलिए हमारे बेटी कुवार के इसलिए बैठ करके हम रो रहे हैं महाप्रभु जब सन्यास लेकर जा रहे थे कहीं भी उन्होंने हरि नाम नहीं सुना लेकिन हठात एक जगह पर हरि बोल सुना महाप्रभु बोले अभी तक हरि बोल किसका मुंह से निकला नहीं यहाँ हरि बोल कहाँ से आ रहा है देखा पास में गंगा बह रही है गंगा की हवा लगते ही अपने आप उसका हृदय परिवर्तन हो गया इसलिए गंगा जिधर जिधर गंगा गई है हाँ गंगा जिधर जिधर गई है आसपास के लोग अपने आप भगवत भक्ति स्नान से उसका हवा से उसका आचमन से अपने आप भगवत भक्ति मिल जाती है गुरुदेव और एक स्टोरी सुनाते थे बोले एक समय गंगा किनारे में एक सांप बिल में रहता था वो अपना मुंह कैसे निकाल कर बाहर रहता था गरुड़ का आहार होता है सर्प इतने में गरुड़ ने पंजा मारा सांप को पकड़ कर जब निकाला निकालते समय जिस समय उसका प्राण छूट गया उसी समय उसका पूछ वो लग गया गंगा पानी लगते ही इतने में उसने चतुर्भुज विष्णु का स्वरूप धारण कर लिया चतुर्भुज जो वैकुंठ में जो भक्त होते हैं चतुर्भुज रूप धारण कर लिया सांप ने गरुड़ उसको खाया गया देखा कि चतुर्भुज बन गया फिर पीठ में बैठा कर उसको वैकुंठ ले जाना पड़ा इसलिए गुरु जी कहते हैं गंगा पानी की इतने महत्व है गंगा भगवान की चरणामृत है शंकर जिसको अपना जटा में शंकर जिसको धारण किया भगवान की चरणामृत है इसलिए चरणामृत के लिए बताया अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पाद तपम कृत्वा सर्वसंहार मतलब जो अकाल जो मृत्यु है आज समय में जो मृत्यु है जो चरणामृत लेते हैं ना असम मृत्यु नष्ट हो जाता है सारी व्याधियों को दूर करने वाले इसलिए नियम रोज ठाकुर को स्नान करा के दूध स्नान करा के सबको ये चरणामृत
सबको देनी चाहिए ईश्वर नाम की, इसलिए उन्होंने ये चरणामृत और तुलसी दल जब भगवान को दिया ना, भगवान जो वैकुंठ में अनंत नाग पर शयन कर रहे थे उनको आसन को हिला दिया, इसलिए महाप्रभु अद्वैत आचार्य जी बोले नाड़ा नाड़ा मतलब क्या बोले सुतिया अच्छी नुखी समुद्र सागरे निद्रा भंग है नाड़ा उन्होंने जब तुलसी दल पानी दिया ना फिर इसने जब बुलाया मेरे को मेरा नाड़ा मतलब हिला देना, मैं तो सो रहा था हाँ वैकुंठ में सो रहा था उसको हुंकार ऐसे पुकारा मेरा आसन को भी उसने हिला दिया और मेरे को वैकुंठ छोड़ कर आना पड़ा इसकी वजह से। इसलिए अद्वैत आचार्य को कहते हैं गौर आना ठाकुर जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को जगत में ले करके आए। इसलिए यहाँ पर कहते गुरु गुरु शब्द आयल श्री अद्वैत चंद्र, अद्वैत चंद्र क्या किया हठात उन्होंने आकाश में भय को लेकर आया और सबको अपना प्रेम रूपी बारिश में डुबोया और चले गए संसार से। इसलिए दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा बले पाई चैतन्य निताल। हे अद्वैत आचार्य आप हम सब लोगों पर कृपा करो क्योंकि अगर आप अगर महाप्रभु नहीं बुलाते महाप्रभु जगत में आते नहीं, अगर महाप्रभु नहीं आते तो हम कहाँ महाप्रभु का भक्ति करें, हम कहाँ भगवान की भक्ति कर सकते। इसलिए तब कृपा बले पाई चैतन्य निताली आपकी कृपा की बल पर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को हमने प्राप्त किया। इसलिए अद्वैत आचार्य जी का ये काम था जल रस धारा ताहे राय रामानंद इन्होंने क्या किया जल रस धारा जल की रस धारा राय रामानंद को उन्होंने बताया क्यों। इसलिए हमारे चैतन्य चरितामृत में राय रामानंद संवाद राय रामानंद इस तक भी सका सकते जो और कोई साधारण नहीं एक साथ को भी सका सकी है। इनके अंदर में ललिता की थोड़ी सी है ललिता भी है और जो अर्जुन है हाँ जो अर्जुन भी इनके अंदर में और एक अर्जुना सखी है इनके अंदर भी सबके सब मिलकर एक में है। इसलिए इनका जो राय रामानंद जो संवाद है हाँ इसलिए महाराज कहते हैं चैतन्य चरितामृत तो पांच विशेष टपी थी जैसे भागवत में पंच प्राण रास पांच अध्याय पंच प्राण शरीर अगर हो अगर प्राण नहीं हो तो सब बेकार है। उसी तरह चैतन्य चरितामृत में बुद्ध प्रदेश में पांच जो टपिक है पांच टपिक नहीं है पंच प्राण है उसमें एक टपिक है राय रामानंद संवाद है। इसलिए अगर किसी को भक्ति रस अगर किसी को जानने का इच्छा है तो जब तक तो राय रामानंद संवाद को आप नहीं पढ़ोगे नहीं सुनोगे ना भक्ति रस के बारे में समझ नहीं सकते। हाँ भजन करना भक्ति करना जैसे तैसे नहीं इसलिए उसमें कर्म मिश्रा भक्ति किसको कहते हैं ज्ञान मिश्रा भक्ति किसको कहते हैं शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं है? इसमें शांत रस क्या है सख्य रस क्या है वात्सल रस क्या है मधुर रस क्या है और एक से दूसरे रस क्यों श्रेष्ठ है सब रस तरह से लेकिन हम लोग जो आराधना करते हैं हमारे गौड़ी वैष्णव का जो आराधना है आराध्य भगवान ब्रज सत्यमेव हमारा आराध्य और कोई कृष्ण नहीं द्वारका भी कृष्ण है मथुरा कृष्ण और ब्रज का कृष्ण लेकिन हम केवल ब्रज का कृष्ण को उपासना करते हैं। लेकिन ब्रज का कृष्ण में भी तीन कृष्ण है एक सखाओं का कृष्ण एक जसोदा की कृष्ण माँ जसोदा और एक गोपियों का कृष्ण लेकिन हम किस कौन सा कृष्ण को भजन कर रहे हैं गोपियों गोपियों ने जैसे भजन किए हैं हम इसलिए महाप्रभु बोले ब्रज वधु कर गई न जा कल्पिता ब्रज गोपियों ने जो भक्ति को अपनाया यही कृष्ण हमें चाहिए। महाप्रभु कहते गोपी भक्तो पद कमलयो दास दासम सबको ने गोपियों की जो भक्ता है उनका दासों का दास हमने हम सबका दास नहीं बनना चाहते महाप्रभु यही चीज देने लिया है। लेकिन जब राय रामन की कथा सुनते हैं ना एक रस से दूसरे श्रेष्ठ को दूसरे से तीसरे श्रेष्ठ को तीसरे से चौथे क्यों चौथे से पंचवा श्रेष्ठ को क्यों क्यों किस लिए हम ये भक्ति चाह रहे हैं
इसकी क्या रहस्य है, ये राय रामानंद संवाद से रस क्या है, भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, राधा रानी कौन है, कृष्ण कौन है, राधा क्या है, कृष्ण, ये राय रामानंद संवाद महाप्रभु ने प्रश्न की और राय रामानंद इसका उत्तर दे। इसलिए इनको बोले जल रस धारा का है राय रामानंद। कहते 64 महांत आइल मेघे शोभा करी रूप सनातन चाहे आइल बिजोरी। कहते 64 महांत आइल मेघे शोभा करी, 64 महांत है, जानते हो 64 महांत? वृंदावन में तुम जाना तो वहां पर जहाँ पर रंगे जी मंदिर है ना, रंगे जी मंदिर उसको पास में एक स्थान है, वहाँ पर महाप्रभु का जितने सारे भक्त लोग हैं वहाँ पर 64 महंत है। महंत मतलब जिसका मोह अंत हो गया, वो एक स्थान है, उनका समाधि बना हुआ, 64 समाधि बनी हुई, जितने महाप्रभु का जितने भक्तों के लोग का एक एक समाधि वहाँ पर बना हुआ है, 64 महंत वहाँ पर है। उन लोगों ने मेघे स्वभा कही, महाप्रभु रूपी मेघ को जो शोभा बनाने वाले कौन, उनका भक्त लोग ही शोभा बनाते हैं, इसलिए 64 महांत आयल मेघे स्वभावी और रूप सनातनता है आयल भी। एक उदाहरण दिया जैसे मेघ मेघ, लेकिन देखना उसमें जब बिजली चमकती है, जब बिजली चमकती है देखना उसमें और शोभा बढ़ जाती है। कृष्ण तो सुंदर है श्याम रंग, लेकिन जब वो पीतांबर पहनते हैं ना कृष्ण का स्वभाव और पीतांबर, पीतांबर से एकदम शोभा बढ़ जाती है। इसलिए रूप सनातन किया है ये बिजली, कहते इन्होंने बिजली के काम की, बिजली मतलब है उनको स्वभाव को और बढ़ा दिया या बढ़ाया प्रेम फल से। ठीक है, हम सब गुरु प्रसाद भाई हम और एक जगह पर बहुत दूर तक जाना है, इकट्ठा लगे तो तुलसी पर जा रहे हैं। हाँ, सचिन नंदन गौ की जय।